तो डू एवरीबडी, देखो सब कर रहे हैं, वेरी गुड, स्ट्रेच योर आर्म्स अप, वेरी गुड वेरी गुड, स्ट्रेच करो स्ट्रेच करो, ऊपर की तरफ गर्दन भी स्ट्रेच हो आपकी, कान के पास अपनी आर्म्स लेकर आओ, देन हेयर रिलैक्स, देन अगेन अप, वेरी गुड, कान के पास, बेटा ये जो आपने खाना खाया ना उसकी डाइजेशन में भी हेल्प करेगा, एक तो आपकी जो नेक थक जाती है उसको रिलैक्स करेगा, खाना अभी आप लंच करके आए हैं उसको डाइजेशन में हेल्प करे, स्ट्रेच करना है ऊपर की तरफ, बिल्कुल सीधी आर्म्स कान के पास, वेरी गुड, पीठ सीधी, गुड गुड, देन रिलैक्स, देन रिलैक्स, वन मोर टाइम, वन मोर टाइम, अप, एकदम कान के साथ अपनी आर्म्स जो है आपकी बाजुएं कान को टच करनी चाहिए, एकदम ऊपर की तरफ हथेलियां बिल्कुल छत की तरफ, और एकदम स्ट्रेचिंग, थकना नहीं, यंग बच्चे हो बेटा, छोटे छोटे बच्चे हो अभी आप, वेरी गुड, देन रिलैक्स, एंड वन मोर टाइम एट द बैक ऑफ द हेड, एट द बैक ऑफ द हेड, आर्म स्ट्रेट, गर्दन पीछे को, सिर पीछे की तरफ अपने धकेलो, आपकी नेक को रेस्ट मिले ताकि आपकी नेक ना थके, वेरी गुड, देन रिलैक्स, ऊपर एक बार और, पीछे सिर पीछे की तरफ, बाजुएं साइड में, सिर को पीछे पुश करो, गर्दन सीधी, बैक पीठ सीधी, बेटे बैक को ऐसे नहीं कर देना, बैक सीधी, देन रिलैक्स, देन रिलैक्स, देन रिलैक्स, ओके कम बैक, वेरी गुड स्टूडेंट्स, चलिए जी, तो हमने बेटा कल खाना खा के आए हो, खाने की बात ही हम करेंगे, खाने के कंपोनेंट्स के बारे में हमने आपको बताया, डेफिशिएंसी डिजीजेस के बारे में भी कल आपको बताया कि बैलेंस्ड डाइट हमें चाहिए, हमें डाइट में ऐसा नहीं कि मम्मा कह रही है या आसपास के लोग कह रहे हैं, मम्मा तो नहीं कहती, मम्मा तो बेचारी कहती है भी खाओ, बट पापा ने आके कह दिया, किसी पड़ोसी ने आके कह दिया आपकी लड़की मोटी हो रही है जी, इसको घी कम दिया करो, नो, फैट्स आर रिक्वायर्ड, है ना, हम जनरली कि ये बच्चा आपका मोटा हो रहा है, नहीं, मोटा होना मींस हम एक्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स या कुछ एक्सेस में प्रोसेस्ड फूड्स खा रहे हैं, उससे भी घी बंद करने से काम नहीं चलेगा, घी इज रिक्वायर्ड, देसी घी इज रिक्वायर्ड फॉर यू, मस्टर्ड ऑयल इज गुड फॉर योर हेल्थ, राइट, सो देसी घी पका कर नहीं, तो घर में जाओगे मम्मा ने अगर दाल या सूखी सब्जी बनाई होगी तो एवरीबडी शुड से कि इसमें आधा चम्मच घी डाल दो, देसी घी डाल दो, ठीक है, बिकॉज जब हम देसी घी को जब हम फ्राई कर लेते हैं तो वो गलत है, क्योंकि उसके बैड तब जाना है, इसे मत जाना है, इसे मत जाना है। फॉर द हेल्थ, बट इफ यू टेक देसी घी रॉ, मतलब सब्जी में दाल में खाओ, दैट इज गुड फॉर योर हेल्थ, दैट इज रिक्वायर्ड फॉर योर बॉडी, डू यू गेट मी, ठीक है, तो इसलिए आपने थोड़ा सा घी अपनी, जैसे मम्मा ड्राई फुल्का नहीं खाना है, वो जब हम 50-60 साल के हो जाएंगे तब देखेंगे, अभी आपको ड्राई रोटी नहीं खानी है, रोटी के ऊपर घी लगाकर खाना है, थोड़ी सी सब्जी में भी घी डाल लेना है, बिकॉज इट इज रिक्वायर्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन, ये हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स को बनाने के लिए फैट्स की बहुत ज्यादा जरूरत है, और कौन सी चीज की जरूरत है, विटामिन B1 की जरूरत है ब्रेन की डेवलपमेंट के, सभी कुछ चाहिए बट दीज टू आर इम्पॉर्टेंट, सो अगेन वी कम क्विकली टू अवर, यू नो कल हमने जो किया था उसका बस एक बार फटाफट से रिवीजन, कि प्रोटीन इज द बोर्ड क्लियर, एवरीबॉडी बोर्ड क्लियर है बेटा, ओके ओके, सो प्रोटीन्स, प्रोटीन्स की डेफिशिएंसी से क्या होता है डिजीज, क्वाशियोर्कर, और क्वाशियोर्कर की सिम्टम्स क्या है, पॉट बेली, खड़े की तरह पेट हो जाता है, इरिटेशन, स्किन रैशेस,
मसल वीकनेस, सब रिकॉर्डेड है बेटा, लेक्चर लिखने की जरूरत नहीं है, घर जाके एक बार दोबारा से देखना, सुनना, और सुनने मात्र से, हम कहते हैं श्रवण मात्र से, आपके दिमाग में चला जाता है, ध्यान से सुनोगे, हेडफोन्स लगाकर सुन लेना चाहे, ठीक है, तो जब वो एक बार ध्यान से सुन लोगे, सब चीजें माइंड में चली जाएगी। देन उसके बाद विटामिन ए, ये नहीं कि पर्सन ब्लाइंड हो जाता है, उसको दिखना बंद हो जाता है, नहीं, बट उसको रात के टाइम पे दिखना कम हो जाएगा, कंसंट्रेट हियर ओनली। नाइट ब्लाइंडनेस है, रात के टाइम कम होगा। विटामिन B1, इससे डिजीज है बेरी बेरी, मैंने अभी आपको बताया, विटामिन B1 हमारे नर्वस सिस्टम, ब्रेन को डेवलप करने के लिए चाहिए, तो वहां पे अगर विटामिन B1 की डेफिशिएंसी है, देन व्हाट हैपेंस, देयर विल बी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, ठीक है, नर्वस डिसऑर्डर्स हो जाएंगे, कंफ्यूजन्स हो जाएंगी, इंसान किसी चीज पे कॉन्सेंट्रेट, अब ये नहीं कहना है कि हम कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे मैम क्योंकि हमारे को जो है ना विटामिन B1 की कमी है, नहीं, ये आपके एटीट्यूड की कमी है, आप में कमी नहीं हो सकती विटामिन B1 की, क्योंकि अभी तक आप मम्मी के बनाए खाना खा रहे हो, ठीक है, तो इसलिए कंफ्यूजन, इरेगुलर हार्ट बीट हो जाती है, और कई बार हार्ट फेलियर भी हो जाता है इस कारण से। विटामिन B3 से पिलग्रा, पिलग्रा में मुंह में छाले, फेस पे रैशेस, हाथ में रैशेस, दैट इज स्किन इन्फेक्शन। विटामिन C, स्कर्वी, स्कर्वी में ब्लीडिंग गम्स है, गम्स में से खून आना शुरू होता है, जब ब्रश करते हो, कुछ खाना खाते हो, है ना, थोड़ा सा जोर लगे तो गम्स में से ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है। विटामिन D एंड कैल्शियम दोनों हमारे दांतों के लिए और बोन्स के लिए इंपॉर्टेंट है, और अगर विटामिन D को हम सनशाइन विटामिन भी कहते हैं, और अगर विटामिन D या कैल्शियम की कमी है तो बोन्स वीक हो जाती है, टेढ़ी हो जाती है। देन उसके बाद कैल्शियम आपको बता दिया, देन अनदर मिनरल इज आयरन, आयरन इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन रेड पिगमेंट जो है उसको बनाने के लिए आयरन चाहिए, बट अगर आयरन नहीं होगा तो हीमोग्लोबिन नहीं, हीमोग्लोबिन नहीं तो RBC रेड ब्लड सेल्स में कमी आ जाएगी, और हीमोग्लोबिन या रेड ब्लड सेल्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन को डिफरेंट सेल्स में लेकर जाते हैं, अगर हीमोग्लोबिन नहीं तो हमारे सेल्स में ऑक्सीजन नहीं, और ऑक्सीजन नहीं तो हमें एनर्जी नहीं, सो लिथार्जी, लेस RBC इज लिथार्जीनेस, कोई काम करने का दिल नहीं करता, टांगों में दर्द होता रहता है, थकावट होती रहती है। आयोडीन की कमी से, सी से हमें नमक से मिलता है आयोडीन, सी फूड से आयोडीन, प्रॉन्स खा लो, फिशेस खा लो तो उससे भी आयोडीन मिलता है, बट नमक से बहुत ज्यादा मिल जाता है, तो उससे अगर उसकी कमी हो तो क्या डिजीज हो जाता है, गोइटर, स्वोलन नेक, नेक स्वेल कर जाती है, इज इट क्लियर, चलिए ओके 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 वेरी गुड, चलिए जी, अब मैं जिन स्टूडेंट्स को बुला रही हूँ वो सब माइक के पास आ जाना है। देन 6A अश्मित, अश्मित इज देयर, 6A यस, माइक के पास आ जाओ बस। 6B, तो 6B है जी, कीरत जप, 6B कीरत जप, आगे आगे, वेरी गुड। 6C ओम दुग्गल, 6C ओम इज देयर, वेरी गुड, ओम, माइक के पास आ जाओ बेटा। 6D अरुणदीप सिंह, 6D अरुणदीप है, वेरी गुड अरुण। 6E आर्यन, आर्यन इज देयर, 6E मैम 2 आर्यन आर्यन, हम कोई सा भी आ जाए, 5281, 5281 आर्यन, कम फॉरवर्ड। 6F दिशांत, 6F दिशांत, एंड 6G हेमंत, 6G हेमंत, वेरी गुड। चलिए जी, अब मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, फटाफट से जिनसे मैं आंसर पूछती जाती हूँ,
वो मुझे बताएंगे जरा, पहले मैं आपको, यस सिक्स ए, हाँ जी, ये बेटा कौन सी डेफिशिएंसी है और ये आपको मटके जैसा पेट दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं? सिक्स ए, जोर से बोलना बेटा, क्वेश्चन दिस इज क्वेश्चन क्वाशियोर्कर। हाँ, किसकी डेफिशिएंसी से है बेटा? सिक्स ए, जोर से बोलो। हाँ, सिक्स ए, जोर से बोलो, ये किसकी, ये जो क्वाशियोर्कर डिजीज है, ये किसकी डेफिशिएंसी से होता है बेटा? प्रोटीन मैम प्रोटीन की। वेरी गुड, सिक्स ए आप बैठ जाओ। सिक्स बी, सिक्स बी बेटा, इस ये जो मटके जैसा पेट दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं बेटा? व्हाट इज दिस कॉल्ड एज, कौन सी बेली? जोर से, सिक्स बी, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा। हाँ जी, सिक्स बी बोल रहे हैं बेटा, मुझे आवाज आ नहीं रही है सिक्स बी की, जोर से बोल बेटा। बेटे थोड़ा सा पहले हेलो बोलो जरा, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ, सिक्स बी से आवाज नहीं आ रही। मैम जरा चेक करना, इनकी वॉइस नहीं आ रही। बोलो आपको बेटा। बेटा मैं ये कह रही हूँ, क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा, मैं आपको ये पूछ रही हूँ कि ये जो आपको नजर आ रहा है ना बेटा क्वाशियोर्कर, ये जो इसका पेट नजर आ रहा है, मटके जैसा पेट है जो इसका, इसको क्या बोलते हैं? इसको फास्ट बेली क्या बोलते हैं? क्वेश्चन अच्छा, आप बैठो बेटा, सम अनदर स्टूडेंट फ्रॉम सिक्स बी, जल्दी से बोल। पॉट बेली बेटा, इसको कहते हैं पॉट बेली। और देखो, पॉट बेली है और मसल्स वीक है, स्किन रैशेस है, ठीक है, मसल्स बहुत वीक हो गए हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट, सिक्स सी, सिक्स सी बेटा, ये कौन सा डिजीज है? ये नॉर्मल दिखता है, नॉर्मल और हाँ, ये कौन सा मैम डिजीज है? नाइट नाइट ब्लाइंडनेस। सिक्स सी वाले बताएंगे बेटा, और कोई नहीं बताएगा, जिस स्टूडेंट को मैंने खड़ा किया। परेशान सिक्स सी, हाँ जी, मैम नाइट ब्लाइंडनेस नाइट ब्लाइंडनेस किसकी डेफिशिएंसी से है बेटा? विटामिन विटामिन ए। वेरी गुड, बैठो बेटा। सिक्स डी, सिक्स डी बेटा, ये किसकी डेफिशिएंसी से है? बेटा इधर ध्यान से सुनो मैं आपको विटामिन ये कौन सा डिजीज है, किसकी डेफिशिएंसी से है? सिक्स सिक्स डी डिजीज का नाम बताइए। पहला पिलेग्रा। वेरी गुड, और ये विटामिन बी थ्री की वजह से है। वेरी गुड, चलिए बैठिए। सिक्स ई, ये कौन सा डिजीज है बेटा? सिक्स ई, स्कर्वी, प्यूरी बोलो जरा, स्कर्वी कर भी किसकी डेफिशिएंसी से बेटा, कौन से विटामिन की? देखो, गम्स में ब्लीडिंग हो रही है, कौन सी डेफिशिएंसी, किसकी डेफिशिएंसी से है? सिक्स ई, हाँ जी, सब अदर स्टूडेंट बोलो बेटा, जल्दी से माइक के पास आके बोलो, जिसको पता है सिक्स ई में से। सी विटामिन सी। वेरी गुड, और अनदर स्टूडेंट फ्रॉम सिक्स ई, क्या खाने से ये दूर हो जाएगी? क्या खाना चाहिए हमें? सिक्स ई, कौन से फूड से स्कर्वी दूर हो सकती है? जल्दी से आके बोलो बेटा। वेरी गुड, वन बॉय इज कमिंग। खट्टे फ्रूट्स से मैम जैसे कोई ऑरेंज एंड लेमन ठीक है, बट विच इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी? एनीबडी फ्रॉम सिक्स एफ, सिक्स एफ लेमन नहीं, लेमन तो नहीं है, सिक्स एफ वाला स्टूडेंट, आप बैठो बेटा। सिक्स एफ वाला स्टूडेंट, मैं आपको
चॉइसेस देती हूँ 6F की, 6F में जो स्टूडेंट खड़ा है उसको चॉइसेस दे रही हूँ। रिच सोर्स ऑफ कौन सा, 6F, ऑरेंज, लेमन, आंवला की एप्पल। आंवला। आंवला, वेरी गुड। आंवला इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी। बैठो 6F, 6G, जो स्टूडेंट है डिजीज का नाम बताओ। व्हाट इज द नेम ऑफ डिजीज? 6G, सम अनदर स्टूडेंट। हाँ जी, 6G में से बेटा जो ये टेढ़ी टांगे थी, ये किस कारण थी? बोलो बेटा जल्दी से, 6G। मेरे को आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा, जोर से बोल। इट इज रिकेट्स, वेरी गुड, इट इज रिकेट्स, अगर रिकेट्स बोला है आपने, ठीक है। चलिए बैठो बेटा, बैठो, सिट डाउन। नेक्स्ट आ जाता है बेटा, ये कौन सा डिजीज है? 6A, 6A, कोविल, किसकी डेफिशिएंसी से है ये? 6B, 6B बताएगा किसकी डेफिशिएंसी से है? आयोडीन, वेरी गुड। हाँ जी, ये जो राइट साइड में जो ये व्हाइट सा हैंड नजर आ रहा है, येलो हैंड, इसको कौन सा डिजीज हुआ है? सिक्स सी, सिक्स सी, सिक्स सी, नॉट एनी अदर क्लास, सिक्स सी। मुझे बताएगी किस मिनरल की डेफिशिएंसी से है ये? यस, सिक्स सी, आयरन। आयरन, वेरी गुड, इट्स आयरन, दैट्स गुड। ठीक है, तो अब हमारे जो है ये मिनरल्स विटामिन्स मैंने आपको ये करवा दिए। अब लेट्स सी कि अब जो है ये देखिए, ये मैं कंप्रेस कर रही हूँ, दिस इज कंप्रेशन, ठीक है। ये क्या सॉफ्ट है कि हार्ड है? सॉफ्ट है, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। और ये क्या है? इसको मैं कंप्रेस नहीं कर सकती, ग्लास की कटोरी है, क्या है ये? हार्ड है, वेरी गुड, वेरी गुड। अब क्या आप यहाँ पे मेरा ये हैंड देख सकते हो ग्लास के थ्रू? व्हाई? बिकॉज द लाइट कैन क्रॉस थ्रू इट। दिस इज ट्रांसपेरेंट की ओपेक, दिस इज ट्रांसपेरेंट। नाउ कैन यू सी माई हैंड बिहाइंड दिस कप? फिंगर हेलो। नो, बिकॉज दिस इज ओपेक, वेरी गुड, वेरी गुड। देन अगर इसके थ्रू थोड़ी सी लाइट जो है ना, ये ग्लास, ये जो है ये देख पा रहे हो आप? कितनी, एक फिंगर है कि दो है? वन फिंगर। नाउ नाउ थ्री, ठीक है, तो इसमें क्या लगा हुआ है? बट फिंगर क्लियरली नहीं ना। अगर मैं आपको ये दिखा दूं, ये भी आपको फिंगर ही लगेगी, राइट? दिख रही, एक परछाई दिख रही है आपको, क्लियर नहीं दिख रहा, बट परछाई से दिख रही है, बिकॉज दिस इज ट्रांसल्यूसेंट, राइट? जिसमें हमें क्लियर ना नजर आए वो है ट्रांस, दिख तो जाए बट क्लियर नहीं, वो है ट्रांसल्यूसेंट, ठीक है। चलिए अब मुझे ये बताइए कि ये मैंने, ये ग्लास ऑफ वाटर दिख रहा है आपको, यस ये मैंने लीफ इसमें डाला,
ये फ्लोट करके सिंक कर गया। अच्छा लीफ जो है वो पानी से हल्का है कि भारी है? हल्का है। जो चीजें हल्की होंगी वही फ्लोट करेंगी, यस और नो? हल्का मतलब वेट, वेट मतलब डेंसिटी। तो अब मुझे बताइए लीफ की डेंसिटी वाटर से कम की ज्यादा? लेस। जिन चीजों की डेंसिटी वाटर से कम है वो फ्लोट करेंगी। और अगर लेट मी, अगर ये मैंने सिक्का है, ये आई थिंक 10 रुपी कॉइन है, और ये मैंने इसके अंदर डाल दिया, तो क्या आप देख रहे हो कि नीचे बैठ गया है? व्हाट विल बी इट्स डेंसिटी, लेस और मोर? डेंसिटी विल बी मोर। वेरी गुड, वेरी गुड। अब ये फिर एक ग्लास ऑफ वाटर है, मैंने इसमें नमक डाल दिया, ठीक है, और इसको हमने ऐसे मिला दिया। क्या आपको इसमें अब सॉल्ट नजर आ रहा है? सॉल्ट डिसअपीयर्ड? यस। इट डिसअपीयर्स। व्हाई इट डिसअपीयर्स? बिकॉज इट इज सॉल्युबल इन वाटर। इट गेट्स डिसॉल्व्ड इन वाटर। घुल गया है इसके अंदर तो ये डिसअपीयर हो गया है। उसके बाद अगर मैं इसमें सैंड डाल दूंगी, मिट्टी डाल दूंगी, तो क्या आपको मिट्टी दिख रही है? मिट्टी डिसअपीयर तो नहीं हुई? क्योंकि ये सॉल्युबल है कि इनसॉल्युबल है? इनसॉल्युबल है, इट इज इनसॉल्युबल। मैं इसको लेट अस से, मैंने इसको ऐसे मिला भी दिया है, बट टाइम बाद बेटा सिक्सी अपना माइक ऑफ करो, तो फिर हम क्या देखते हैं, फिर ये थोड़े टाइम बाद नीचे बैठनी शुरू हो जाएगी, यस और नो? बिकॉज इट इज इनसॉल्युबल इन वॉटर, राइट। अब ये आपको नजर आ रहा है, क्या है ये? विनेगर। विनेगर लेट अस से, है ना। अब मैं ये विनेगर खोलती हूँ, आपको स्मेल तो नहीं इसकी आ सकती, बट चलिए मैं आपको, ये पानी, ये विनेगर, कहीं कोई लेयर नजर आ रही है? नो। पानी क्लियर ही नजर आ रहा है? कोई विनेगर अलग से नहीं नजर आ रहा? बिकॉज विनेगर इज सॉल्युबल इन वॉटर। उसके बाद ये मैंने ऑयल लिया है, येलो येलो नजर आ रहा है आपको? कैन यू सी अ सेपरेट लेयर? थोड़ा सा हम और डाल के देख लें। कैन यू सी इट? बबल। अब ये बताओ कि ऑयल पानी से हैवी है कि लाइट है? लाइट है, क्योंकि ये ऊपर आ गया, नीचे नहीं बैठा है, ऊपर आ गया है। इज इट सॉल्युबल? नो नो। अगर सॉल्युबल होता तो ये पानी में घुल जाता, नजर ना आता, बट हमें तो ये येलो सी लेयर नजर आ रही है ऊपर को। सो इट इज लाइटर देन वॉटर एंड इट इज इनसॉल्युबल इन वॉटर, यस और नो? ओके। उसके बाद ये कप देख रहे हो, ऊपर एक मेटल की लेयरिंग है, ठीक है, डज इट शाइन? तो शाइन को क्या बोलते हैं? लस्टर। सो मेटल्स आर लस्ट्रस, यस। अब हमने दो स्पून्स लिए, एक वुडन ले लिया, एक स्टील का। स्टील इज ए मेटल, सो विच इज लस्ट्रस, स्टील स्पून की वुडन स्पून?
स्टील बिकॉज इट इज फॉर्मड बाय वेरियस मेटल्स, मिक्सचर ऑफ मेटल्स, सो मेटल्स आर लस्ट्रस, वेयर एज नॉन मेटल्स लाइक वुड इट इज लस्ट्रस की नॉन लस्ट्रस, नॉन लस्ट्रस, इट डज नॉट शाइन. मेटल्स शाइन बट वुड रबर इट डज नॉट शाइन. बट अब एक और चीज आ गई है, इज दिस पेंडेंट शाइनिंग, दिख रहा है आपको, दिस इज शाइनिंग. चलो इस तरफ से देख लो, दिस शाइन्स, इट इज फॉर्मड ऑफ मेटल. बट सेम मेटल का ये भी बना हुआ है, ये शाइन कर रहा है नहीं कर रहा, ये भी मेटल का है बट ये शाइन नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा, रस्ट आ गई है. वेरी गुड, क्योंकि ये एयर के कांटेक्ट में आ गया है इस पे रस्ट आ गई है. बट क्या अब ये हमेशा रस्ट रहेगा, मैं इसको कभी पहन नहीं पाऊंगी, और विल इट रीगेन शाइनिंग. बेटा अगर मैं इसको साबुन से थोड़ा सा रगड़ दूं तब शाइन कर जाएगा, अगर मैं इसको किसी हार्ड चीज से इसको रगड़ दूं तो इसके ऊपर की रस्ट रिमूव हो जाएगी, और मैं किसी अच्छे से नॉन रिएक्टिव इसको अगर कोट कर दूं किसी चीज से, पेंट कर दूं, तो इट विल रिमेन शाइनिंग. ठीक है, आपने कभी अपने लोहे के गेट देखे हैं बेटा, हम उसको हमेशा पेंट करते हैं कि नहीं, रेड या सिल्वर या गोल्डन, यस और नो, है ना, तो हम उसको क्यों, एक तो सुंदर दिखते हैं गेट वो, और दूसरा कि आयरन जो जिससे वो गेट बने हैं उसमें रस्टिंग नहीं होती, क्यों नहीं होती, क्योंकि हमने उसको पेंट से कवर कर दिया है. द मेटल इज नॉट एक्सपोज्ड टू एयर, मेटल एयर के कॉन्टेक्ट में ही नहीं आ रही, एयर के कॉन्टेक्ट में क्या आ रहा है, पेंट कॉन्टेक्ट में आ रहा है, इसलिए उसमें रस्टिंग नहीं होती. इज इट क्लियर? ठीक है, अब हम कहते हैं मटेरियल हार्ड या सॉफ्ट है, मटेरियल सोल्यूबल की इनसोल्यूबल है, मटेरियल ट्रांसपेरेंट ट्रांसल्यूसेंट, हम ऐसे क्यों कैटेगराइज करते हैं, टू आइडेंटिफाई देम इजियर, है ना. अगर हम किचन में भी क्या करते हैं कि ये प्लेट्स हमने रख दी, ये कटोरियां रख दी, यहाँ पे ग्लासेस रख दिए, यहाँ पे चम्मच रख दिए, ताकि मम्मा ने कहा जब प्लेट उठाओ तो हम सीधा प्लेट वाले सेक्शन में जाएंगे, प्लेट लेके आएंगे. अगर सब कुछ मिक्स हो तो कितना मुश्किल, प्लेट के नीचे कटोरी घुसी हुई है, चम्मच पता नहीं कहाँ पे गुम है, चाकू मिल नहीं रहा, होता है ना कई बार ऐसे ही. तो आप अपने कमरे में, आपके पास ड्रॉर है, आपने सब कुछ कागज भी वहीं रख दिया, पेंसिल्स, रबर्स, ये वो कलर्स सब कुछ मिक्स कर दिया, तो कितनी मुश्किल होती है. बट उसके बाद अगर आपकी सिस्टर, ब्रदर या पेरेंट्स, वो कहते सॉर्ट करके रखो इनको अलग अलग, सॉर्टिंग मतलब सेपरेशन, कागज अलग रखो, पेंसिल्स अलग रखो, इरेजर्स अलग, कलर्स के लिए अलग से डिब्बे में रखो, दिस इज सॉर्टिंग. ठीक है, दिस इज सॉर्टिंग ऑफ मटेरियल्स, राइट. व्हाई डू वी सॉर्ट मटेरियल्स, टू आइडेंटिफाई देम, टू लोकेट देम इजीली, इज इट ओके, ताकि हम उनको जल्दी से ढूंढ लें, राइट. चलिए अब अपनी असाइनमेंट निकालो जल्दी से एवरीबॉडी. सॉर्टिंग सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स, थर्ड पेज है बेटा आपके असाइनमेंट का, थर्ड पेज है सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप. जल्दी से फर्स्ट सेकंड थर्ड, पहले तीन क्वेश्चंस करो जल्दी से, फटाफट से अपने अपने करने हैं, किसी ने इधर उधर नहीं देखना. पेज नंबर चलिए बस, अब जिस जिस से मैं पूछूंगी वो आंसर करते जाएंगे. क्वेश्चन नंबर 1, आइडेंटिफाई ट्रांसपेरेंट ट्रांसल्यूसेंट एंड ओपेक. हाँ जी बेटा जल्दी से अपना नाम बोलो और फर्स्ट बताइए, मैग्नीफाइंग ग्लास ट्रांसपेरेंट की ओपेक. ट्रांसपेरेंट बेटा मैग्नीफाइंग ग्लास जिससे हम बिल्कुल, जिससे हम नीचे का देख सकते हैं, हम मैग्नीफाइंग ग्लास से नीचे का पढ़ सकते हैं, इट इज ट्रांसपेरेंट. वेरी गुड, अपनी सीट पे जाओ. नेक्स्ट स्टूडेंट, मिरर.
ट्रांसपेरेंट मिरर में बेटा, मिरर मुझे यहाँ पे नजर नहीं आ रहा, बट मिरर में आप अपनी शक्ल देख सकते हो, क्या पीछे का देख सकते हो? ओपेक ओपेक है मिरर, ओपेक है बेटा, क्योंकि उसके पीछे का नहीं देख सकते, सिर्फ अपनी शक्ल देख सकते हो। ग्लास की बात नहीं कर रहे हैं हम, मिरर की बात कर रहे हैं। लिखते चलना बाकी भी सब। स्टेनलेस स्टील प्लेट, स्टेनलेस जो स्टील की प्लेट होती है, सिक्स थे, क्या है ओपेक है कि ट्रांसपेरेंट है बेटा? ट्रांसलेशन क्या स्टील की प्लेट से आप दूसरी तरफ देख सकते हो? ओपेक ओपेक है बेटा, ध्यान से, ये नहीं कि जिसमें अपनी शक्ल देख रहे हो वो ट्रांसपेरेंट हो गई, नहीं, ओपेक है, राइट? सिक्स बी, जशनदीप, परमवीर, कम विराट, क्लूर। भैया भैया चलिए चलिए, हमारा एक एक करके बताते चलो मुझे। ग्लास टम्बलर, ट्रांसपेरेंट के ट्रांसल्यूसेंट, ग्लास टम्बलर क्या है? जोर से बोलो बेटा, ट्रांसल्यूसेंट है यहाँ पे, दिस इज ट्रांसल्यूसेंट की ट्रांसपेरेंट। आपका हाँ बोलो बेटा, दिस इज ट्रांसपेरेंट। अगर आप ट्रांसपेरेंट बोल रहे हो, मुझे बहुत क्लियर, मैम की आवाज आती है बेटा, आपकी आवाज नहीं आ रही, क्या बात है? हाँ ट्रांसपेरेंट है बेटा, ये ग्लास टम्बलर ट्रांसपेरेंट, सब कुछ क्लियरली नजर आ रहा है। पेपर स्टेन्ड विद ऑयल, नेक्स्ट स्टूडेंट, पेपर स्टेन्ड विद ऑयल क्या है ये? ट्रांसल्यूसेंट, वेरी गुड। नेक्स्ट आ जाता है ग्लास स्पेक्टिकल्स, जो ऐनक है वो क्या है? ट्रांसपेरेंट के ट्रांसल्यूसेंट के ओपेक। जोर से, आवाज नहीं आ रही आपकी मुझे। इज इट इज ट्रांसल्यूसेंट, दिखेगा कैसे हमें? अगर वो ट्रांसल्यूसेंट होगी ऐनक, तो बस कैसे दिखेगा? क्या है? ट्रांसपेरेंट है बेटा ये ग्लास स्पेक्टेकल्स, ऐनक ट्रांसपेरेंट होएगी, देखो किसी ने लगाई होगी, देखो जरा। मसलिन क्लॉथ पतला सा कपड़ा है। नेक्स्ट स्टूडेंट, सिक्स बी, ट्रांसल्यूसेंट ट्रांसल्यूसेंट, वेरी गुड वेरी गुड। एनी अदर स्टूडेंट फ्रॉम सिक्स बी? फ्रंट ग्लास ऑफ ए कार, फ्रंट ग्लास मीन्स जो आगे का होता है, ट्रांसपेरेंट ट्रांसपेरेंट, वेरी गुड, बैठो बेटा, वेरी गुड। सिक्स सी, सिक्स सी में से बेटा सरताज, वरुण, देवक, आर्यन, ये चारों आ जाओ। सिक्स सी, सरताज सरताज, वरुण, देवक, आर्यन, चारों आ गए हो? चलिए जी, क्वेश्चन नंबर टू बेटा, कॉटन थ्रेड फ्लोट करेगा कि सिंक करेगा? फ्लोट करेगा, फ्लोट फ्लोट। चलिए सेकंड स्टूडेंट, फेदर, बेटा कोई और नहीं बोलेगा, ओनली द स्टूडेंट विल टेल हुम आई एम आस्क्ड, राइट? सिर्फ वो, बाकी के नहीं। फ्लोट करेगा फेदर। नेक्स्ट, होलो प्लास्टिक बॉल, नेक्स्ट स्टूडेंट, फ्लोट फ्लोट करेगा, बैठो बेटा। आयरन नेल, नेक्स्ट है नहीं? मैं ओके, सिक्स सी, सिक्स डी, सिक्स डी पुनीत गौरेश, सिक्स डी पुनीत एंड गौरेश। पुनीत बेटा, आयरन नेल को पानी में डालोगे तो वो फ्लोट करेगी कि सिंक करेगी? सिंक, हम सिंक करेगी, उसका वेट ज्यादा है पानी से कि कम है? ज्यादा है। ज्यादा है, वेरी गुड गौरेश। रबड़ बैंड, बालों में लगाते हैं रबड़ बैंड जो है, वो सिंक करेगा कि फ्लोट करेगा?
रबड़ बैंड सिंक कर जाएगा। एक मिनट जरा मैं ना दिखाती हूँ, अगर मेरे को रबड़ बैंड मिला जरा एक सेकेंड। क्या दीजिए रबड़ बैंड है ना, देखो अपने पास। चल चलो बेटा, अभी मुझे मिला नहीं है, बट रबर बैंड फ्लोट्स बिकॉज इट इज लाइटर देन वाटर। उसके बाद कॉइन, कॉइन तो मैंने आपको दिखाया है। यस एनीबडी, कॉइन क्या करेगा, सिंक करेगा कि फ्लोट करेगा? सिंक कर जाएगा, वेरी गुड। ठीक है जी, नेक्स्ट सिक्स ई, लवप्रीत, जसकीरत, निखिल एंड जशन। सिक्स ई, जशन हट गया, जशन है नहीं है, कोई बात नहीं, सिमर वो आ जाए, जगदीश आ जाओ। हाँ जी बेटा, आइडेंटिफाई लिस्ट्रस एंड नॉन लस्ट्रस। गोल्ड क्या है बेटा, सिक्स ई लस्ट्रस है कि नॉन लस्ट्रस? हाँ जोर से बोलो बेटा, लस्ट्रस मीन्स जो चमकता है, सिक्स ई। मैम लस्टर, लस्ट्रस। सेकंड आ जाइए, एल्युमिनियम। मम्मा एल्युमिनियम फॉइल में आपको रोटी पैक करके देती है, चमकता है, लस्ट्रस की नॉन लस्ट्रस? लस्ट्रस। नेक्स्ट सिल्वर, ज्वेलरी हम डालते हैं, लस्ट्रस की नॉन लस्ट्रस? लस्ट्रस। वुड, वुड है, लस्ट्रस की नॉन लस्ट्रस? बेटा लकड़ी नॉन लस्ट्रस है बेटा। नेक्स्ट सिक्स्थ एफ, सिक्स्थ एफ राघव। बेटा डायमंड लस्ट्रस की नॉन लस्ट्रस? लस्ट्रस। लस्ट्रस, वेरी गुड। रोहित, पेंसिल लेड, पेंसिल का जो सिक्का है, लस्ट्रस है बेटा, वो भी चमकता है क्योंकि वो भी कार्बन से बना है, राइट। प्लास्टिक टिफन, सम इट इज समर, समर कुमार। हाँ जी, प्लास्टिक टिफन लस्ट्रस की नॉन लस्ट्रस? लस्ट्रेड। नहीं बेटा लस्टर नहीं है, प्लास्टिक तो नॉन लस्ट्रस होता है, मेटल्स आर लस्ट्रस, प्लास्टिक्स रबर्स दे आर नॉन लस्ट्रस, राइट। देन अब आ जाइए बेटा रीजन असर्शन क्वेश्चंस पे आ जाइए, रीजन असर्शन क्वेश्चंस। सिक्स्थ ए, अमन जैन, अमन सिक्स्थ ए। हाँ जी बेटा, व्हेन वी मिक्स शुगर इन वाटर द शुगर डिसअपीयर्स, ट्रू की फॉल्स? ट्रू, ट्रू है बेटा, कि शुगर इज सॉल्युबल इन वाटर, ट्रू की फॉल्स? ट्रू, ट्रू। तो अब मुझे ये बताइए बेटा कि अगर हम ये कहें कि व्हेन वी मिक्स शुगर इन वाटर द शुगर डिसअपीयर्स बिकॉज इट इज सॉल्युबल इन वाटर, क्या ये स्टेटमेंट मेरी ठीक है? Yes. अब मुझे ये बताइए कि इसकी कौन सा आंसर होगा, ए कि बी कि सी कि डी? ए में आपको बताया है असर्शन करेक्ट, रीजन करेक्ट, रीजन एक्सप्लेन असर्शन। बी ऑप्शन है असर्शन करेक्ट, रीजन करेक्ट, रीजन डज नॉट एक्सप्लेन असर्शन। सी में असर्शन करेक्ट, रीजन रॉन्ग, और डी में असर्शन रॉन्ग, रीजन की स्टेटमेंट करेक्ट है। तो अब मुझे ये बताइए बेटा कि जो 13th क्वेश्चन है, व्हेन वी मिक्स शुगर इन वाटर द शुगर डिसअपीयर, शुगर इज सॉल्युबल इन वाटर,
आंसर क्या आएगा ए बी सी डी में से? मैम ए पार्ट। ए पार्ट, वेरी गुड वेरी गुड। बैठो बेटा, इट इज आंसर इज ए। देन सिक्स बी, हिपांश चौधरी। सिक्स बी हिपांश चौधरी। हां जी, मेटल्स आर लस्ट्रस, ट्रू की फॉल्स बेटा? ट्रू है, बिल्कुल ठीक है। मेटल्स गेट डल इन कलर व्हेन एक्सपोज टू एयर की ऑक्सीजन, ट्रू की फॉल्स? मेटल्स में उनकी चमक खत्म हो जाती है, उसमें रस्ट आ जाता है जब ऑक्सीजन से एक्सपोज होते हैं, ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू है। क्या दोनों में कोई जो रीजन है वो एक्सप्लेन कर रहा है? मेटल्स आर लस्ट्रस बिकॉज मेटल्स गेट डल इन कलर व्हेन एक्सपोज टू ऑक्सीजन, क्या ये स्टेटमेंट कुछ कनेक्टेड है कि नहीं है? माइक अपने हाथ में लो, अपने मुंह के पास करो जरा। yes. क्या ये रीजन एक्सप्लेन कर रहा है बेटा? yes. नहीं बेटा, कहां से? देखो, मेटल्स आर लस्ट्रस, क्यों लस्ट्रस है? क्योंकि मेटल्स में जो एटम्स होते हैं उनका अरेंजमेंट कुछ एक्सा स्पेसिफिक होता है कि वो लस्ट्रस है। बट रीजन दे दिया, मेटल्स आर डल इन कलर व्हेन एक्सपोज टू ऑक्सीजन, ये स्टेटमेंट तो ठीक है, बट वो एक्सप्लेन नहीं कर रही कि मेटल्स चमकते क्यों है, ये नहीं एक्सप्लेन कर रही। तो असर्शन एंड रीजन करेक्ट, बट रीजन डज नॉट एक्सप्लेन असर्शन। सो आंसर आ जाएगा बी, बीटा बॉम्बे। बैठो। सिक्स सी में आ जाएगा बेटा एकलव्य। एकलव्य इज देयर? हां जी एकलव्य। सब्सटेंसेस हैविंग डेंसिटी, डेंसिटी का मतलब वेट, अपने लिख लो, जहां पे डेंसिटी उसका नाम लिख लो। अब बेटा ये देखिए बेटा, थोड़ा सा ना दूर करो, ये स्पीकर्स के पास है तो आवाज गूंजती है ना। चलो अभी तो कर लो, अभी पहले मैं समझा देती हूँ, पहले ऑफ करो, फिर मैं समझाती हूँ, तो फिर आप बताना कि ये ठीक है कि नहीं है। सब्सटेंसेस हैविंग डेंसिटी, डेंसिटी मीन्स वेट, लेस देन वाटर सिंक्स, वो कहते हैं जिनका वेट वाटर से कम है वो नीचे बैठ जाते हैं, सिंक कर जाते हैं। फेदर एंड होलो प्लास्टिक बॉल्स फ्लोट इन वॉटर। अब आपने मुझे बताना है बेटा कि ये जो है असर्शन की स्टेटमेंट ठीक है कि गलत है, रीजन ठीक है कि गलत है, और आंसर क्या आएगा। हाँ जी, अब माइक ऑन करो और बोलो। स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट ऑन करो, ऑन करो मैम। फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू। और रीजन? जो चीजें हल्की होती है, लेट अस से, वैसे तो ये मेरा पीने का पानी है बट फिर भी मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कागज है, ये हल्का सा है, ये क्या कर रहा है? फ्लोट कर गया कि सिंक कर गया? फ्लोट। तो जो चीजें हल्की है वो फ्लोट करती है कि सिंक कर जाती है बेटा? फ्लोट करती है। तो ये क्वेश्चन है, सब्सटेंसेस हैविंग डेंसिटी लेस देन वाटर सिंक्स, तो ये ठीक है कि गलत है? फॉल्स है, दिस इज फॉल्स, राइट, दिस इज फॉल्स। और सेकेंड स्टेटमेंट रीजन, फेदर एंड हॉलो प्लास्टिक बॉल फ्लोट्स इन वाटर, दिस इज ट्रू की फॉल्स? ट्रू है। तो असर्शन गलत और रीजन ट्रू, आंसर इज बी, डेल्टा। ठीक है, बैठो बेटा, वेरी गुड। सिक्स डी, हरमन सिंह। हरमन सिंह से हम पूछ चुके हैं, माइक ऑन करो बेटा, आपकी आवाज नहीं आ रही है। ऑन कर लिया। हाँ अब आ रही है, बस उसके बाद
ऑयली पैच ऑन ए पेपर इज ट्रांसल्यूसेंट, ट्रू की फॉल्स? ट्रू. वेरी गुड. ओपेक ऑब्जेक्ट्स डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू इट, ट्रू की फॉल्स? ट्रू. ट्रू. बट क्या ये दोनों का आपस में कोई कनेक्शन है? क्या ये एक्सप्लेन कर रहे हैं? नो. नो. आंसर आ जाएगा बी. आंसर इज बी. वेरी गुड. बैठो बेटा. असर्शन रीजन करेक्ट, बट रीजन डज नॉट एक्सप्लेन असर्शन. हां जी, नेक्स्ट आ जाता है बेटा. सिक्स एफ से बुलाते हैं हम मानव. मानव इज देयर? यस. आ जाओ मानव. वेरी गुड. कॉटन इज सॉफ्ट मटेरियल, ट्रू की फॉल्स? ट्रू. ट्रू है. कॉटन कैन बी इजीली कंप्रेस्ड एंड स्क्रैच, ट्रू की फॉल्स? फॉल्स. नहीं बेटा, स्क्रैच भी हम उसको आराम से स्क्रैच भी कर सकते हैं, उसको फाड़ भी सकते हैं इजीली, तो इट इज आल्सो ट्रू. तो क्या दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू है? तो कॉटन इज सॉफ्ट बिकॉज इट कैन बी इजीली कंप्रेस्ड, इज इट ट्रू? यस. तो रीजन एक्सप्लेन असर्शन. रीजन एक्सप्लेन कर रहा है ना उसको कि कॉटन सॉफ्ट क्यों है, क्योंकि हम उसको कंप्रेस कर सकते हैं. ठीक है कि गलत है? ठीक है. तो आंसर क्या आएगा, ए की बी? ए. वेरी गुड. आंसर इज ए. राइट. सो अगेन वी स्टिल हैव 5 मिनट्स. जल्दी से फटाफट से अब आपने कौन सा क्वेश्चन करना है, केस स्टडी कर लो जल्दी से. वेरी गुड. सिक्स्थ जी से मैंने पूछना है फटाफट से. केस स्टडी है बेटा, थर्ड पेज पे ही है. इट वॉज पहेलीज बर्थडे. करो जल्दी से. बेटा अब आपको जो है, अब आपको रीजन असर्शन के क्वेश्चंस करने आ रहे हैं धीरे धीरे से. वेरी गुड, वेरी गुड. बट ए और बी में कंफ्यूज नहीं हो जाना है. आपने देखना है कि जो रीजन है स्टेटमेंट तो ठीक है, बट क्या वो क्यों का आंसर है, असर्शन का आंसर है, क्यों वह, ये आपने चेक करना है. पहेली की ग्रैंड मदर ने बेटा उसको दो चीजें दी. ठीक है, उसने क्या दिया, एक डल सिल्वर स्पून एंड शाइनिंग गोल्ड इयररिंग्स. उसने दो चीजें दी. ठीक है, तो अब इस बेसिस पे, अपनी नॉलेज के बेसिस पे आपने मुझे बताना है. सिक्स्थ जी, जगवीर सिंह, जानवी. जगवीर, जानवी एंड सार्थक, ये तीनों आ जाओ. जानवी इज एब्सेंट, देन अर्शवीर आ जाइए. हाँ जी जगवीर, पहला क्वेश्चन बेटा, सिल्वर स्पून इज डल, क्यों डल है वो बेटा? कौन सा बच्चे लाइन बोलो. वेरी गुड, वेरी गुड. विद टाइम इट रिएक्ट्स विद एनवायरमेंट एंड डेवलप्स अ डल ब्लैक लेयर. वेरी गुड. बैठो बेटा जगवीर, कि उसके ऊपर रस्टिंग हो गई है ऑक्सीजन के कॉन्टेक्ट में आकर. हाँ जी नेक्स्ट अर्शवीर, कैन द सिल्वर स्पून रीगेन्स इट शाइन, क्या हम उसको दोबारा से चमका सकते हैं बेटा? यस और नो? यस, रीगेन इट सिक्स सी बेटा. कैसे रीगेन कर सकते हैं बेटा? बाय रबिंग इट, बाय वॉशिंग इट विद सोप, है ना? बैठो बेटा, नेक्स्ट आ जाइए.
डलनेस ऑफ सिल्वर कैन बी प्रिवेंटेड बाय, हाँ जी क्या आंसर है? ऑल द अबव, ऑल द अबव, बिल्कुल ठीक है. स्टोर इट इन कूल एंड ड्राई प्लेस, उसको ऑक्सी, बैठो बच्चे, उसको हम ऑक्सीजन से रिएक्ट ही ना होने दें. सिक्स सी स्टूडेंट्स बैठ जाइए बेटा, सिट डाउन. ठीक है, सेकंड है क्लीनिंग इट विद माइल्ड सोप, ठीक है, और सी है पॉलिशिंग, उसको रगड़ दो, उसको पॉलिश कर लो थोड़े थोड़े इंटरवल बाद. सो ऑल द, ठीक है. सो आई थिंक आपका टाइम ओवर हो गया, नेक्स्ट पीरियड शुरू होने वाला है. ये yes. बस एक मिनट, एवरीबडी एवरीबडी बैठ जाओ, ये असाइनमेंट आप करके आना, कोशिश करके आना. वी विल डिस्कस टुमारो, राइट? ओके बेटा, बाय बाय बेटा, बाय.